हम लोगों को एक लंबा अनुभव हो गया है और हमने जो कमियां देखी है इन 11 वर्षों में उन कमियों को पूरा करने का प्रयास इस बार हम लोग ने किया। इसलिए यहां पर हर तरह से लोगों के बैठने की व्यवस्था बढ़ाई गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है ताकि लोगों को अच्छी तरह से रामलीला का मंचन वो देख सकें, पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकें। 12 अक्टूबर को दशहरा उत्सव के दिन यहाँ पर लाखों लोग उमड़ते हैं तो उस दिन और भी विशेष व्यवस्था रहेगी। चारों तरफ ये बैरिकेटिंग की गई है ताकि कोई धक्का मुक्की ऐसे लोग गिरे नहीं और रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन देखने के लिए यहाँ पर जो लोग उमड़ते हैं हजारों की संख्या में वो सब सुरक्षित रूप से उसका आनंद ले सके, उसको देख सके। रामलीला मंचन यहाँ स्टेज पर प्रस्तुत करेंगे और वो ज्यादातर तो लोग मुरादाबाद से हैं लेकिन कई कलाकार दूसरे राज्यों से भी हैं, हरियाणा से, राजस्थान से, कई राज्यों से कलाकार उसमें शामिल हैं और वो सब पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। उसमें कुछ कलाकार ऐसे हैं जो 15-20-25 वर्षों से रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं, उनका लंबा अनुभव है और निश्चित रूप से यहाँ पर दर्शकों को पूरा लाभ प्राप्त होगा, पूरा वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और रामलीला का मंचन बहुत ही भव्य तरीके से होने वाला है। तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, उनको किस तरीके से मेंटेन करेंगे? हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे झूले भी लगाए गए हैं, तो झूलों में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? झूलों के कुछ मापदंड होते हैं, वो क्या पूरा किया गया है? देखिए, ये हालांकि ये श्रीराम मित्र मंडल तो केवल रामलीला का आयोजन करती है, झूला मेला से श्रीराम मित्र मंडल को लेना देना नहीं है, लेकिन झूले मेले में भी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है और पुलिस के परमिशन से ये सब हो रहा है। तो जितनी भी सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं उसको पुलिस प्रशासन ने पूरा कराया है, चाहे हम लोग रामलीला मंचन करते हैं चाहे झूला मेला जो लोग कर रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय पुलिस होगी, हमारे करीब 50 वॉलंटियर काम करेंगे, सीसीटीवी कैमरे करीब 2 दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, ड्रोन की व्यवस्था होगी, सुरक्षा व्यवस्था पूरा चाक चौबंद होगा और कहीं से सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं होगी। यहाँ पे जो कलाकार हैं, जो भी श्री जानकी कला मंच का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, केवल ये दशहरा के दिन जो इस बार 12 अक्टूबर को है उस दिन केवल 1 लाख लोगों के आने की संभावना है और कुल 11 दिन तक रामलीला चलेगी, उसमें कई लाख लोग यहाँ आकर रामलीला का आनंद प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे और धार्मिक लाभ प्राप्त करेंगे।